यही वो लम्हा था जिसने भारत को पूरी तरह से बदल दिया। इस फोटो में 24 जनवरी 1950 का वो पल है जब संविधान सभा ने भारत के संविधान पर साइन किया था। संविधान की किताब हमारे देश के आधारभूत मूल्यों और व्यवस्था के बारे में बताती है। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को लिखने में पूरे 3 साल का समय लगा? इसको लिखने के लिए काफी सारे सत्र हुए। पहले सत्र की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई और आखिरी सत्र 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ। इस दौरान कुल मिलाकर 11 सत्र हुए। अगर दिनों के हिसाब से गिना जाए तो संविधान बनाने के लिए सभी लोग 165 दिनों के लिए मिले। पर इसमें वो दिन शामिल नहीं है जब संविधान निर्माता अलग अलग छोटी छोटी कमेटियों में मिल रहे थे और संविधान को बनाने का काम कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कुल कितने लोगों ने मिलकर संविधान लिखा? संविधान बनाने के लिए शुरुआत में 389 लोग शामिल थे। इसके कुछ समय बाद ही देश का बंटवारा हो गया और 1/4 लोग पाकिस्तान चले गए और फिर 299 लोगों ने मिलकर संविधान बनाने के काम को आगे बढ़ाया। जिन लोगों ने संविधान लिखा वो सभी एक संविधान सभा के सदस्य थे जिसका गठन 1946 को हुआ था। इस सभा के सदस्यों का चुनाव 2 तरह से हुआ था। 292 लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए थे और 97 लोगों को मुख्यतः प्रिंसली स्टेट ने नामित किया था। संविधान सभा बनाते समय पूरी कोशिश की गई थी कि संविधान सभा में जितना हो सके अलग अलग तरह के लोग शामिल हों। भारत के सभी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लिया गया था। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र से संविधान सभा में कौन मौजूद था? यह जानने में तो काफी मजा आएगा। अलग अलग धर्मों के लोग मौजूद थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट और आदिवासी। विभिन्न पेशे के लोग शामिल थे। वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, राजनेता, पत्रकार और उद्योगपति इत्यादि। ये सभी लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से थे, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट, कम्युनिस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इत्यादि। साथ ही अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे। एक चर्चा के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने एक भाषण में वहां बैठे अलग अलग लोगों के बारे में बताते हुए यह ध्यान कराया कि हमारी संविधान सभा में कितनी विभिन्नता मौजूद है। इस सभा में महिलाएं भी मौजूद थीं। क्या आप जानते हैं संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थीं? कुल मिलाकर 15। उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में उस समय मौजूद परेशानियों और हालातों को देखते हुए अंग्रेजों ने देश छोड़कर जाने से पहले भारत के लिए संविधान लिखने की बात रखी, पर भारतीयों ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि हम अपने देश का संविधान खुद लिखना चाहते थे। अब सोचे तो यह एक जाहिर सी बात है, पर उस वक्त अंग्रेजों से अपने इस अधिकार को हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान के संविधान को 24 अमेरिकी पुरुषों ने मिलकर 7 दिनों में लिख दिया था और उस कमरे में सिर्फ एक ही जापानी की मौजूदगी थी और वो एक महिला अनुवादक थी। यह सोचना कि हम अपने संविधान को खुद लिखेंगे एक बहुत ही अच्छा विचार था, पर असल में यह काम बहुत सी मुश्किलों से भरा था। एक सीधा सा उदाहरण, संविधान सभा के सदस्य अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उनके सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि चर्चा किस भाषा में हो और संविधान किस भाषा में लिखा जाए। आखिर में सबने मिलकर यह तय किया कि सभा के लोग जिस भी भाषा में चाहें चर्चा कर सकते हैं, पर संविधान अंग्रेजी में लिखा जाएगा और साथ ही साथ उसका अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाएगा। संविधान को लिखने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल थी। कई अन्य देशों के संविधानों को पढ़ा गया और हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए उनसे प्रेरणा ली गई। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार और न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट या स्वाधीन होने का प्रावधान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर लिखे गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा में कई कमेटियां बनाई गई। इस तरह से 17 कमेटियां थी, जैसे कि मौलिक अधिकार, आदिवासी क्षेत्र और केंद्र की शक्तियां आदि। ये कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करती थीं। इन रिपोर्टों को बारीकी से देखने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता था। इन ड्राफ्टों पर संविधान सभा में चर्चा की जाती थी और चर्चा के बाद ड्राफ्ट में बदलाव किए जाते थे। ऐसा दोबारा भी किया जाता था तब तक जब तक कि एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता।
इस तरह से जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुए उनसे हमारा संविधान बना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें संविधान सलाहकार बीएन राव और मुख्य ड्राफ्ट्समैन एसएन मुखर्जी ने भी पूरा सहयोग दिया और इस तरह से बनी हमारे देश की सबसे शक्तिशाली किताब हमारा संविधान। उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान की मूल प्रति को हाथ से लिखा गया। अंग्रेजी में इसको प्रेम नारायण रायजादा ने और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। इसमें जो भी कलाकारी की गई वो शांति निकेतन के कलाकारों की एक टीम ने की है। इस टीम की अध्यक्षता नंदलाल बोस कर रहे थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अब हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और जैसा कि आप सब जानते हैं हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय संविधान लिखा गया उस समय देश के हालात बहुत ही नाजुक थे। देश का बंटवारा हो रहा था, सांप्रदायिक झगड़े थे, जाति के आधार पर समाज का बंटवारा था और समाज में महिलाओं की हालत बहुत ही कमजोर थी। इस सब के बावजूद संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और यह सुनिश्चित किया कि देश का कानून इन मूल्यों और सिद्धांतों के हिसाब से ही चले। संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई और जो फैसले लिए गए वो सभी इन्हीं मूल्यों पर आधारित हैं। उदाहरण के तौर पर एक मुद्दा ये था कि कौन कौन वोट डाल सकता है। इस चर्चा के दौरान एक बात निकली कि केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट डालने का अधिकार देना समानता के मूल्य के खिलाफ था। इस तरह समानता के मूल्य को महत्व देते हुए सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार एक साथ मिल गया। अगर अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां संविधान बनाने के 80 वर्ष बाद ब्लैक अमेरिकन्स को वोट डालने का अधिकार मिला और वहां की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार तो 133 साल बाद दिया गया। संविधान सभा में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, संघ और राज्य के संबंध, शासन व्यवस्था और कल्याणकारी काम आदि। इन चर्चाओं के आधार पर ही संविधान को तैयार किया गया। संविधान सभा की सभी चर्चाओं को लिखकर रिकॉर्ड किया गया, उनको ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। आप इन्हें जरूर पढ़ें और संविधान बनाने की प्रक्रिया को जानें व याद रखें। भिन्न भिन्न भाषाओं में संविधान की कॉपीज भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। संविधान और संविधान सभा की चर्चाओं को पढ़ने से हमें मार्गदर्शन मिलेगा और हम आज के समय में अपनी नागरिक होने की भूमिका को और भी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे।